Hello everyone, welcome back to our channel Learn Yogi. Today I am going to tell you a story about Maa Brahmacharini. So let's start. पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। प्रेस द बेल आइकॉन। लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।